हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की। तो जैसे कि आपको पता है, जामिया ने CUET वालों के लिए स्पॉट एडमिशन निकाला था, जिसकी अपडेट भी ख़त्म हो गई है और उसका रिज़ल्ट भी आ गया। पर बहुतों का ये कहना है कि वो मिस कर गए वो डेट एंड उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, अब कहीं ये वो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि स्पॉट एडमिशन जो हुआ है, आपको पता है कि ऑलरेडी कट ऑफ जो नॉर्मल वाली थी वो 200 और 190 और 180 के करीब गई थी। तो स्पॉट एडमिशन में भी आपको क्या लगता है कि वो 150 से भी नीचे जाएगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है इस बात की कि कट ऑफ 150 के नीचे भी गई होगी स्पॉट में भी। बट हाँ, ये है कि स्पॉट एडमिशन में जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो जामिया में एडमिशन ही चाहते थे, उनकी फ़र्स्ट या ओनली प्रायोरिटी जामिया था, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, शायद वो एडमिशन भी पूरा का पूरा ले। तो ऐसा हो सकता है कि जामिया की अगली एक और लिस्ट आए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस लिस्ट के बाद सीट्स फुल हो जाएं। आपको रिजल्ट्स चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं एडमिशन रिजल्ट में। यहाँ कोर्स टाइप में आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे और कोर्स नेम में आप किसी भी CUET के सब्जेक्ट को, जो भी आपके उसका हो, तो आप उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करना होता है, ये कैप्चा टाइप करके सर्च करना होता है। सर्च करने पे यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सिर्फ एक संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना आपकी हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन दोबारा हो, और इस बार शायद फिजिकल वाला हो, क्योंकि संस्कृत में हमेशा ही ऐसा हुआ है कि सीट्स खाली रह जाती हैं, वैकेंसी काफ़ी रह जाती है उनमें। तो यहाँ पे देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री की लिस्ट है और 16 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। मुस्लिम के 6 हैं, मुस्लिम OBC ST के 2 हैं, मुस्लिम वुमेन के 3 स्टूडेंट्स हैं और जामिया इंटरनल के 1, PWD में टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर से 2 हैं और कश्मीरी माइग्रेंट 1 स्टूडेंट है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट निकली है इनकी, और इनकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 14th और 15th नवम्बर, यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे, कल और परसों। तो आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और एडमिशन करवा लें। बाकी जो नए स्टूडेंट्स जामिया में एडमिशन ले रहे हैं या कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए है कि वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं NSP के बारे में। ये एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जहाँ पर स्कॉलरशिप्स आती हैं और आप कर सकते हैं इसमें। ये एप्लीकेंट कॉर्नर में आपको जाके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। पहले तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फ्रेश एप्लीकेशन पे करना है। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉगिन कैसे करना है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो यहाँ पे स्कीम्स है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कम्स मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज है, और बेगम हज़रत महल है। तो यहाँ पे आपके लिए मेनली क्या होगी, पोस्ट मैट्रिक होगी आपके लिए, तो आप उसको 30 नवंबर तक फिल कर सकते हैं। ये टेक्निकल वाली भी 30 नवंबर तक है, और ये बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप में क्या है कि कोई भी गर्ल इसे फिल कर सकती है, जो भी स्टडी कर रही हो, रिगार्डलेस ऑफ द कोर्स और द क्लास। तो 15 नवंबर तक है ये। बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं, और आपको वेरिफिकेशन कब करवाना है, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन कब होगा, इन सब की डेट्स यहाँ पर मैंशन है, आप इसके यहाँ से पढ़ सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।